हेलो माय सर, डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जो आप गायनेकोमेस्टिया जैसी कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, इसके कॉज क्या है, इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो सबसे पहले गायनेकोमेस्टिया एक कंडीशन है जिसमें मेल्स को ब्रेस्ट टिश्यूज़ ग्रो करने लग जाते हैं जिसके वजह से उनका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लग जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉज ऐसा देखा जाता है कि जब भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग जाता है तब आपको ये कंडीशन होने लग जाती है। मेल्स के अंदर भी फीमेल हार्मोन होते हैं लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। जब भी उनकी बॉडी में मेल या फीमेल हार्मोन का इम्बैलेंस होने लग जाए, उनके अंदर फीमेल हार्मोन ज़्यादा होने लग जाए, तब ये कंडीशन हो सकती है। गायनेकोमेस्टिया एक ब्रेस्ट को भी अफेक्ट कर सकती है और दोनों ब्रेस्ट को भी अफेक्ट कर सकती है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो न्यू बॉर्न मेल्स होते हैं या फिर वो बॉयज़ जो अभी प्यूबर्टी एज में हैं या फिर जो ओल्डर मैन होते हैं, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को गायनेकोमेस्टिया की कंप्लेन है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो सबसे पहले जो उनका ब्रेस्ट टिश्यू है वो आपको एनलार्ज दिखाई देगा, वहाँ पे आपको स्वेलिंग दिख सकती है। इसके अलावा कई सारे मेल्स को पेन भी फील हो सकता है। पेन ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर जो एडोलेसेंट एज के बॉयज़ होते हैं उनको फील होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी देखी जाती है। निप्पल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, अगर आप उसे रब करेंगे तो ज़्यादा सेंसिटिविटी फील होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज है अगर आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग जाए तब आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप गायनेकोमेस्टिया जैसी कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कोनियम मैग, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। कोनियम मैग उन मेल्स के लिए इफेक्टिव मेडिसिन है जिनके ब्रेस्ट टिश्यूज़ ग्रो कर रहे हैं, एनलार्जमेंट हो रहा है, साथ ही साथ वो पेन भी फील करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलेका 30। आप फाइटोलेका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टेंडरनेस फील होता है, आपके निप्पल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, एनलार्जमेंट हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फोर्स 30। आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं अगर आप बॉडी से थोड़े से चबी है, आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, आप बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं और आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से गायनेकोमेस्टिया जैसी कंडीशन हुई है, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलीम्यूर 30। आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके जो निप्पल्स है उसमें ज़्यादा सेंसिटिविटी है, ब्रेस्ट एनलार्ज हो चुके हैं, स्वेलिंग हो चुकी है, तब आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था गायनेकोमेस्टिया। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।